फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेजीज किचन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस दलिया। इसके लिए हमें चाहिए 2 कड़छी देसी घी, 1 कटोरी दलिया, 1 कटोरी चीनी, 4 कटोरी दूध और 4 कटोरी ही पानी। तो चलिए शुरू करते हैं दलिया बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कड़छी देसी घी। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी दलिया और इसे मीडियम आँच पर धीरे धीरे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। कंटिन्यूसली इसे हिलाते रहना है ताकि ये इवनली रोस्ट हो जाए। जब ये धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा, आंच को बिल्कुल धीमी रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं भूनना। तो धीरे धीरे भूनते हुए इसे ब्राउन करना है हमको। जब ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 4 कटोरी पानी। पानी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और अपनी आंच को हाई कर देना है। तो तेज़ गैस पे इसे हम अब 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि हमारा दलिया सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के लिए अब इसे मैंने छोड़ दिया है। दलिया खाने में बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और एक कंप्लीट फूड है। जैसे दलिया अब हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 4 कटोरी ही दूध। दूध डालने के बाद फिर से हम इसको मीडियम गैस पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब दूध अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो जितनी हमने दलिया लिया था, 1 कटोरी दलिया लिया है हमने, तो 1 कटोरी इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जब तक चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। एक बॉयल उसमें देंगे और उसके बाद हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। इसको धीरे धीरे चलाते हुए चीनी को अच्छे से मिक्स किया इसमें और थोड़ा सा इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। लीजिए, दलिया बनके तैयार है। आप भी इसे अपने घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा बना दलिया आपका। प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।